स्वरगेट से कात्रज मेट्रो के बढ़े 733 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी देने का प्रस्ताव जनरल बॉडी में पेश किया गया, लेकिन इस संबंध में विस्तार से जानकारी देने के लिए मेट्रो के अधिकारी उपस्थित नहीं होने की वजह से इस प्रस्ताव को 8 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। पिंपरी चिंचवड से स्वरगेट मेट्रो प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा। स्वरगेट से कात्रज मार्ग में अंडरग्राउंड मेट्रो का प्रस्ताव है, लेकिन इस काम के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने अपने हिस्से की 15% फंड में कटौती की है। ऐसे में इस खर्च का भार मनपा को उठाना पड़ेगा। इस प्रस्ताव को स्थायी समिति से मंजूरी मिल गई है। ये सोमवार को मंजूरी के जनरल बॉडी में रखा गया था। कांग्रेस के गुट नेता आवा बागुल, शिवसेना के गुट नेता पृथ्वीराज सुदार, नगर सेवक विशाल तांबे ने इस प्रस्ताव को लेकर विस्तृत जानकारी देने की मांग की, लेकिन उस वक्त मेट्रो के अधिकारी सभागृह में मौजूद नहीं थे, इसी वजह से जानकारी नहीं मिल पाई। इस बीच नगर सेवक बाला ओसवाल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में पहले ही देरी हो चुकी है, ऐसे में और देरी क्यों की जा रही है। उन्होंने प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की, लेकिन इस पर एकमत नहीं होने की वजह से इस प्रस्ताव को 28 जून तक आगे बढ़ा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, 20 न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।